पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और केंद्र सरकार ने नहीं दी है, उसका ऐलान नहीं किया है, इसलिए बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन की घोषणा आने वाले एक दो दिनों में प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है, कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाए नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी छोड़े, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार में विकास का गति थम जाएगी। और अब नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं और बिहार को धोखा देते आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस इस पर चुप नहीं रहेगी। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक दो दिनों के अंदर जन आक्रोश आंदोलन निकालने जा रही है और नीतीश कुमार के विरोध में जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सब सड़क पर आएंगे और गली गली, पंचायत पंचायत, नगर नगर तक जा कर के और नीतीश कुमार के काले कारनामे के, जो कि बिहार को धोखा दे रहे हैं, इस पर सबको बताएंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, पहले आप इनका बयान सुने। बिहार अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी पूर्व में भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और केंद्र सरकार ने नहीं दी है, उसका ऐलान नहीं किया है, इसलिए बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन की घोषणा आने वाले एक दो दिनों में प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं, जो आंदोलन पंचायत, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक होगा और चरणबद्ध तरीके से चलेगा। चूँकि हम पहले कह चुके हैं, नहीं हुआ विशेष राज्य के दर्जे की ऐलान, अब चलेगा नीतीश मुक्ति अभियान। कांग्रेस पार्टी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा ने लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पे ठगा ही नहीं। नीतीश कुमार 20 साल से विशेष राज्य के दर्जे पे सत्ता में है, 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा भी उनके साथ थे इस बात पे, और जब सरकार दोनों जगह बन गया तो नहीं हुआ विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान, इसीलिए अब चलेगा नीतीश मुक्ति अभियान। कब तक घोषणा हो जाएगी? मुझे लगता है कि एक दो दिन में प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और एक बड़ा घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी राज्य भर में विशेष राज्य दर्जा के हक की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और बिहार को धोखा देते आ रहे हैं, बिहार के जनता को धोखा देते आ रहे हैं, अब इसको लेकर कांग्रेस चुप नहीं रहेगा। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दो दिनों के अंदर जन आक्रोश आंदोलन निकालेगी और सभी लोग के पास जितने भी बिहार के पंचायत हैं सभी पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता जाएंगे और नीतीश कुमार के काले कारनामे का भंडाफोड़ करेंगे, सबको बताएंगे। इस तरह की बातें कहते नजर आए राजेश राठौर और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिला पाए और एनडीए के साथ जुड़े थे विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, और इन्हीं का मांग था, पहले भी इन्होंने बहुत बार आवाज़ उठाया था और फिर भी इस बार एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता, भोली वाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगी। अब गांव-गांव, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर जाकर सभी जनता को बताएगी कि किस तरह से नीतीश कुमार जनता को ठगने की काम कर रही है नीतीश कुमार और बिहार को ठगने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहते नजर आए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, आपको मैंने सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।